आप सभी को नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज में, जिसका आज चौथा दिन है। तो इस नई शुरुआत के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला सवाल है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 मई, ऑप्शन बी है 24 मई, ऑप्शन सी है 21 मई, ऑप्शन डी है 28 मई। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 7 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 7 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 7 अप्रैल। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करूंगी, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 19 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 21 अक्टूबर। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु गोबिंद सिंह का जो है जन्म दिवस वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी की, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मीबाई की, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू की और चौथा ऑप्शन है कमल नेहरू की। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। इन्हीं की स्मृति में 13 फरवरी को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? इसमें जो सही जवाब है इन चारों ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन संकल्प दिवस, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय एकता दिवस, तीसरा ऑप्शन आतंकवाद विरोध दिवस और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त इसी रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मली ये फॉर स्टूडेंट्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है और ये जिनके जन्म तिथि के उपलक्ष में जिनके लिए मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और जो है इनको जो छोटे बच्चे थे वो चाचा जी कहा करते थे। तो जो बाल दिवस है वो जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये बर्थ डेट है जवाहरलाल नेहरू जी की भी। हमारा अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला 9 जनवरी, दूसरा 1 फरवरी, तीसरा 12 मार्च और चौथा 15 अगस्त। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 13 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी।
तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 18 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है 12 नवंबर, ये जो है इस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है जो है क्वेश्चन नंबर 73, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नो डाउट इसके पहले जो सवाल किया था उसमें जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, यानी जो है इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पे जो है बाल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक दिवस, ऑप्शन नंबर बी है बाल दिवस, ऑप्शन सी है विधि दिवस, ऑप्शन डी है डॉक्टर दिवस। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षक दिवस जो है वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है मजदूर दिवस, दूसरा ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, तीसरा ऑप्शन है महिला दिवस और चौथा ऑप्शन है शहीद दिवस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गणतंत्र दिवस। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर विधान चंद्र राय, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर, यानी 77वां क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है रूप सिंह, दूसरा ऑप्शन है जयपाल, तीसरा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर ध्यानचंद। इन्हीं हॉकी खिलाड़ी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस अपने भारत में मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही डाकघरों का जाल पाया जाता है। हमारा अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करूँगी क्योंकि ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। तो पहला ऑप्शन है 1.2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1.5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 1.7 लाख एंड चौथा ऑप्शन है 1.9 लाख। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 1.5 लाख। धन्यवाद।